नव वर्ष 2022 की शुरुआत में भगवान भोलेनाथ की नगरी कुंडेश्वर धाम टीकमगढ़ में कंप्यूटरीकृत ई बिलिंग अकाउंट HRMS एवं RTM ऐप से संयुक्त ऑनलाइन एकीकृत मंदिर प्रबंधन व्यवस्था का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर आयोजित कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी गोस्वामी, कलेक्टर सुभाष कुमार द्विवेदी, SDM सौरभ मिश्रा के द्वारा ऑनलाइन एकीकृत मंदिर प्रबंधन व्यवस्था का वन क्लिक के माध्यम से शुभारंभ किया गया। अतिथियों ने मंदिर ट्रस्ट में उत्कृष्ट कार्य को लेकर सभी पदाधिकारियों का शाल श्रीफल और स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मान किया। टीकमगढ़ विधायक राकेश गिरी ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि कुंडेश्वर मंदिर के विकास के लिए निरंतर प्रयास किया जा रहा है। कुंडेश्वर का नाम शिव धाम कुंडेश्वर रखने के प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं उन्होंने बताया कि कुंडेश्वर धाम में प्रवेश द्वार का निर्माण, घाट निर्माण, सीसी सड़क निर्माण, पेवर सहित अन्य विकास कार्य किए जा रहे हैं। NIC से अविनाश पाठक एवं गणमान्य नागरिक उपस्थित रहे। टीकमगढ़ से सुबोध पाठक की रिपोर्ट। करने का प्रयास जब कलेक्टर साहब के पास बैठे समय चर्चा हुई तो मैंने कहा मेरी पहली प्राथमिकता कुंडेश्वर धाम, दूसरी प्राथमिकता माँ बगानवा। तो जब से हम यहाँ खड़े हैं निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि कुंडेश्वर अभी मिश्रा जी ने कहा कि विश्व पटल पे आए। हम सब चाहते हैं कि हमारा यह धाम इस प्रकार महाकाल जो विश्व पटल पर है, ऐसी भगवान भोलेनाथ का धाम भी विश्व पटल पर आए। सबसे पहले मैं विधानसभा में याचिका लगाई थी कुंडेश्वर का जो नाम है वर्तमान में वो मैच नहीं करता है, सारे लोग कुंडेश्वर बोलते हैं, जिसका नाम कुंडेश्वर धाम कर दिया है। शिवपुरी है और शिवपुरी के बाद धाम हो जाए तो हमने इसके लिए विधानसभा में याचिका लगाई कुंडेश्वर धाम करने। उसका प्रस्ताव कलेक्टर साहब के पास जैसे ही आया, 3 दिन नहीं लगे, कलेक्टर साहब ने प्रस्ताव बनवा के मध्य प्रदेश शासन को भेजा। मध्य प्रदेश शासन ने स्वीकृति कर दी, केंद्र सरकार के लिए चला गया जहाँ से स्वीकृति मिलने वाली है, यहाँ बदल कर नाम इसका कुंडेश्वर धाम हो गया। मंदिर प्रबंधन की व्यवस्था शुरू हुई है, क्या व्यवस्थाएं से इससे क्या लाभ मिलेगा सर? देखिए, कुंडेश्वर महादेव मंदिर ट्रस्ट के द्वारा आज से ऑनलाइन एकीकृत मंदिर प्रबंधन व्यवस्था की वेबसाइट लॉन्च की गई है और इस वेबसाइट के माध्यम से जो एक पारदर्शी तरीका रहता है, ज़्यादातर कुछ लोग ये भी मन में शंका उठती है कि भाई हमारा जो दान है वो सही जगह जा रहा है कि नहीं जा रहा, तो वो पूरी ऑनलाइन दिखेगा। जो भी मंदिर की आय होगी, जिन जिन कामों में मंदिर व्यय कर रही है, कितनी राशि व्यय कर रही है, वो भी ऑनलाइन रहेगा। तो ये पारदर्शिता के कारण निश्चित रूप से लोगों में मंदिर के प्रति विश्वास और बढ़ेगा। जो भगवान के प्रति एक श्रद्धा है, एक आस्था है लोगों के मन में, वो पूरी होगी। और दूसरा ये भी रहेगा कि जो मंदिर का ट्रस्ट जिन चीज़ों में काम कर रहा है, तो ट्रस्ट तेज़ी से काम करने में ये जो साइट है आज लॉन्च की गई है उससे काफ़ी सहायता। थैंक यू। हेलो फ्रेंड्स, आप देख रहे हैं हमारा चैनल SW24 न्यूज। हमारे सारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और पास में लगे बेल आइकन को दबाना बिल्कुल भी ना भूलें।